आपके कमेंट्स लगातार रिसीव हो रहे हैं कि आप अपने पीएनबी डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको ओटीपी ही रिसीव नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी बात के आ रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा है। तो देखिए, ओटीपी नहीं आएगा तो आप पिन भी सेट नहीं कर पाएंगे। आपका चाहे जनधन अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, दोनों ही केसेस में पहले आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी जनरेट करना है, उसके बाद उस ओटीपी की मदद से आप पिन सेट कर सकते हैं। जब तक आपका ओटीपी नहीं आएगा, आप पिन सेट नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को देखेंगे, इसी समस्या का समाधान को हम ढूंढेंगे कि अगर आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेशन के लिए ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि जितने भी ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन एक बार आप ट्राई करके देखिए। हो सकता है कि इसमें से कुछ ऑप्शन आपने पहले ही ट्राई किए हों, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं, ताकि आपने अगर कोई कहीं पर कोई छोटा सा मिस्टेक भी किया है तो उसको आप करेक्शन कर सकें, सही कर सकें। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि डीसी पिन करना है। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज में आपको लिखना है DCPIN कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद एक सिंगल स्पेस रहेगा, और उसके बाद आपका डेबिट कार्ड का नंबर रहेगा, 16 डिजिट का नंबर। इस SMS को आपको सेंड कर देना है 5607040 पर। अगर इस नंबर पर मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप 92640 92640 पर भी इस मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये मैसेज सेंड करेंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो आपको एक 6 डिजिट का OTP मिल जाना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है PNB ATM। आप अपना ATM कार्ड लेकर PNB के ATM मशीन में जा सकते हैं, और वहाँ पर भी आप OTP जनरेट कर सकते हैं। तो OTP जनरेट के लिए होम स्क्रीन पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और चेंज पिन का, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद OTP जनरेट के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, बस इतना सा ही काम करना है, और आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP मिल जाएगा। अगर ये ऑप्शन भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है कि आप PNB के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वहाँ से भी आप OTP जनरेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, चलिए इसका एक डेमो देख लेते हैं। पहले ये किसी भी वीडियो में हमने इस ऑप्शन को ट्राई नहीं किया है, तो चलिए आज इसका एक डेमो देख लेते हैं। वेलकम टू पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए 1 दबाएं। IVR द्वारा स्वयं सेवाओं का उपयोग करने के लिए 2 दबाएं। धोखाधड़ी या किसी अनाधिकृत लेन देन की रिपोर्ट करने के लिए डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATS सेवा को ब्लॉक करने के लिए खाता डेबिट स्विच के लिए 0 दबाएं। बैलेंस सेवाओं के लिए 1 दबाएं। खाता संबंधित सेवाओं के लिए 2 दबाएं। कार्ड संबंधी सेवाओं के लिए 3 दबाएं। ATM पिन जनरेट करने या बदलने के लिए 1 दबाएं। नए डेबिट कार्ड ATM पिन जनरेट करने के लिए 1 दबाएं। ATM पिन बदलने के लिए 2। यदि आप पंजीकृत मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं तो वहाँ के लिए 1 दबाएं और नहीं के लिए 2 दबाएं। अपने 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर दर्ज करें। तो देखिए, यहाँ पर 16 डिजिट का ATM कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर पूरा एंटर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं जल्दी से एंटर कर लेता हूँ। आपके द्वारा दर्ज किया गया डेबिट कार्ड नंबर है 4522। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। पंजाब नेशनल बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। इस तरह से हमारे पास 3 ऑप्शन है OTP जनरेट करने के। तो हो सकता है कि आपने ये सभी ऑप्शन ट्राई करके ना देखे हो, तो इन सारे ऑप्शन को आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपका OTP जनरेट हो जाता है इसमें से किसी ऑप्शन से, अगर आपका OTP जनरेट हो जाता है तो आपका काम तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी OTP जनरेट नहीं हो रहा है, तो दूसरा स्टेप है कि आपको मोबाइल नंबर लिंकेज कन्फर्म करना होगा। आपके बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर प्रॉपरली लिंक है या नहीं, उसमें OTP आने की सुविधा है या नहीं, उसको आपको कन्फर्म करना होगा।
ये कंफर्म करने के लिए आप अपने मोबाइल से ही खुद घर बैठे इसको कंफर्म कर सकते हैं। ये कंफर्म करने के लिए आपको पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, pnbindia.in। और आगे का प्रोसेस क्या है, चलिए इसको डेमो देख लेते हैं। तो देखिए पीएनबी का ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in, जैसे हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसको मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर कुछ ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको आई एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 लाइंस बने हुए हैं, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमर केयर और हाउ डू आई में जाना है। हाउ डू आई में हमारे पास ऑप्शन है लॉज कंप्लेंट का, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है डिजिटल कंप्लेंट, इसको सेलेक्ट करना है, तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर पूरा का पूरा यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से अकाउंट नंबर एंटर कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने एंटर कर दिया, कैप्चा कोड मैंने फिल कर दिया, अब जनरेट ओटीपी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी रिसीव हो चुका है, अब आगे का प्रोसेस हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि कोई कंप्लेंट हम नहीं करने वाले हैं। तो अलग अलग केसेस बन सकते हैं, कौन से केस में आपको क्या स्टेप लेना होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो है कि ओटीपी जनरेट हो गया, अगर आपका ओटीपी जनरेट हो गया इसमें से कोई प्रोसेस फॉलो करके, तो आपका काम तो हो गया, फिर आगे आपको कुछ करना नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन हो सकता है कि मोबाइल नंबर लिंकेज तो कंफर्म हो गया लेकिन फिर भी पिन जनरेशन का ओटीपी आपको नहीं मिल रहा है। मोबाइल नंबर लिंकेज कंफर्म करने के लिए वहां पर आपको ओटीपी मिल रहा है लेकिन डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको बैंक ब्रांच में जाना होगा, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है बेस ब्रांच, और वहां पर आपको अपने डेबिट कार्ड को रिसीव करवाना होगा। वहां पर आप स्टाफ से बात करेंगे तो वो सिस्टम में डेबिट कार्ड को रिसीव कर देंगे, उसके बाद आपको ओटीपी वहीं से रिसीव हो जाएगा, फिर आपको ओटीपी जनरेट करना नहीं पड़ेगा। और एक कंडीशन हो सकता है कि मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर पर आपको किसी भी तरह का कोई ओटीपी मिल ही नहीं रहा है, तो आपको फिर से बैंक ब्रांच में ही जाना है और मोबाइल नंबर को लिंक करना है और कार्ड को भी आपको रिसीव कराना है। तो इस तरह से आप अपना प्रोसेस फॉलो करके ओटीपी जनरेट करा सकते हैं और आपका पिन भी जनरेट हो जाएगा। इस टॉपिक से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।